हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। किरण केवारे सभी का स्वागत करता है हमारे चैनल टेक्नो केवारे पे। जी हाँ, आज हम जानने वाले मोसाद का मतलब होता है मौत, यानी एक बार मोसाद की निगाह में चढ़ जाता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। मोसाद का मतलब होता है मौत, यानी मोसाद की निगाह में चढ़ गया उसका बचना मुश्किल होता है। जी हाँ, मोसाद के खूंखार एजेंट उसके किसी दुनिया के किसी भी कोने से निकाल कर उन्हें मार गिराने में दम थम रखते हैं, और मोसाद के ही वजह से दुनिया में मोसाद नंबर वन पर है। यही कारणों से इजराइल दुनिया के टॉप लिस्ट में आता है खुफिया एजेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। मोसाद की पहुंच इस जगह तक है कि मोसाद में और इजराइल में इजराइल के किसी भी नागरिकों के साथ साजिश हो रही हो तो मोसाद को सबसे पहले पता चलता है। और मोसाद का गठन लगभग 72 साल पूरा। साथ का हेडक्वार्टर इसराइल में स्थित तेल अबीब शहर में है, और मोसाद मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन फॉर इसराइल एंड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। क्वार्टर इसराइल में स्थित तेल अबीब शहर में है, और मोसाद का मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन फॉर इसराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। जी हाँ, मोसाद का गठन लगभग 13 दिसंबर 1949 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के बदर हुआ था। उसका पहला उदाहरण मतलब क्यूनिक हत्याकांड, जी हाँ, पश्चिम जर्मनी में स्थित क्यूनिक शहर में आयोजित हुआ 1972 में। ओलंपिक के दौरान आतंकवादियों ने उनके खिलाड़ी को बंधक बनाया था, और इसराइल में उनको ढूंढ कर 5 ऐसे आतंकवादी को मार गिराया जिसमें शामिल थे। यह अंजाम फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर द्वारा अंजाम किया था। मोसाद ने उन सभी आतंकवादी को मार गिराया जो उसमें स्थायी और अस्थायी रूप से शामिल थे, और सबको ढूंढ कर उसने किसी भी देश में जाकर उन्हें मार गिराया। जी हाँ, उसका दूसरा उदाहरण मतलब युगांडा के हवाई अड्डे पर जाकर उन्होंने मार गिराया था उनके आतंकवादी को। यह घटना 1979 में युगांडा में हवाई अड्डे पर जाकर उनके सभी आतंकवादी को मार गिरा के उनके इसराइल के 54 नागरिकों को चुड़ा कर रख के अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। जी हाँ, इसमें इसराइल के सेना भी शामिल थे। इसराइल का एक ऐसा खुफिया एजेंट था, उसका नाम था एक कोनेन। एक दुनिया भर में मशहूर इसलिए था क्योंकि वो सीरिया जाकर रक्षा मंत्री बन गए थे, लेकिन एक गलती के कारण वो पकड़े गए और बीच चौराहे पे सैकड़ों नागरिकों से उनको मार गिराया था। जी हाँ, ये बात सच है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना।